हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एंगल को कितने तरह से मेजर करते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा था कि कितने यूनिट्स में मेजर करते हैं, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट को एक यूनिट से यदि एंगल एक यूनिट में दिया हुआ है तो उसको दूसरे यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे जो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं, वो डिफाइन किया जाता है। और बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या है कि साइड्स और एंगल के बीच क्या होता है, रिलेशन पढ़ना होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि दिस रिलेशंस सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और फंक्शंस आर ओनली डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। आप यदि कोई दूसरा ट्रायंगल है तो उसके लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने, आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है। इसको हमने क्या चीज से डिनोट किया है, एच से। और थीटा और हाइपोटेनस के बीच, जिस साइड और हाइपोटेनस के बीच जो एंगल दिया रहता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं, या क्या कंसीडर करते हैं, बेस कंसीडर करते हैं। और एंगल के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं, और परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने एडजेसेंट वाले साइड को बी से डिनोट, लेंथ को बी से डिनोट किया है, और अपोजिट वाले साइड को हमने का जो लेंथ है उसको हमने क्या किया है, पी से डिनोट किया है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, तो देयर आर 6 टी रेशियोज। मैंने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, टी, देयर आर 6 टी रेशियोज आर डिफाइंड, या देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। पहला क्या होता है, पहला जो होता है क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ये सब आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन क्या होता है, अपोजिट अपॉन या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, अपोजिट, तो हम क्या लिखेंगे यहां, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज। और यहां हमने क्या यूज किया है, अपोजिट को हमने क्या कंसीडर किया है, पी, तो हम क्या लिखेंगे, पी अपॉन एच। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन क्या होता है, एच होता है। क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्या होगा, एच होगा, है ना। उसका उसके बाद दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, तो दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट या बेस, बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, अगेन बी को, बेस को हमने, बेस लेंथ को हमने बी से डिनोट किया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन क्या होगा, एच होगा। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन क्या होता है, बेस। तो देखो अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट हमने क्या माना है, पी अपॉन क्या, बी। इसको ऐसे भी शायद लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, टेन थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में को हम क्या कर रहे हैं, एच से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एच। तो हम लिख सकते हैं यहां पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, सही है। और पी अपॉन बी मैंने क्या बताया, साइन थीटा। क्या बताया, पी अपॉन बी जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। और बी अपॉन एच, सॉरी पी अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, बी अपॉन एच इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो tan theta is equal to p
पी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन क्या लिखेंगे बी, ठीक है, क्या लिखेंगे पी अपॉन बी। इसके बाद अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट, तो अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है कॉट है, तो क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अब देखो कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको क्या लिखेंगे b अपॉन क्या लिखेंगे t, ठीक है, इसको दूसरी तरह से भी शायद हम लिख सकते हैं, देखो cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन p अपॉन b, इतना लिख सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्यों, क्योंकि p अपॉन b क्या होता है tan थीटा होता है, तो हमने क्या लिख दिया cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन tan थीटा, ठीक है, क्या होगा cot थीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन tan थीटा, और tan थीटा को हमने क्या लिखा है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं sin थीटा, तो इस चीज इसको भी माइंड में रखना चाहिए। एक और पॉइंट है यहाँ कि प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड sin थीटा cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा tan थीटा इंटू cot थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा वन। इसके बाद अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो क्या है sec थीटा है, sec थीटा, sec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज आई मीन हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होगा बेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो वन अपॉन b अपॉन क्या लिख सकते हैं h आई मीन क्या होगा वन अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा, तो sec थीटा देखो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन cos थीटा इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा b, h अपॉन क्या हो जाएगा b हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है cosec थीटा है, क्या है cosec थीटा, कोसेक थीटा कितना होगा देखो कोसेक कोसेक ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होगा अगेन एच अपॉन क्या हो जाएगा पी, और इसको लिख सकते हैं वन अपॉन पी अपॉन क्या लिख सकते हैं एच, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा आई मीन भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन, प्रोडक्ट ऑफ sec थीटा एंड cosec थीटा विल बी सॉरी प्रोडक्ट ऑफ cos थीटा एंड sec थीटा विल बी इक्वल टू वन, प्रोडक्ट ऑफ sin थीटा एंड cosec थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा वन होगा, है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़े हैं इसको, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होता है ना। अब देखो इवन हम इसको प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इवन हम कंसीडर करेंगे कि राइट एंगल ट्रेंगल हम कंसीडर करके इसको हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे, लेकिन दिस रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेंगल्स, है ना। किसी भी सिचुएशन में रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है कि आइडेंटिटी जो होता है वो क्या होता है कि वो वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए क्या होगा करेक्ट होगा, लेकिन ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन जो होता है वो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही क्या होता है वैलिड होता है, सभी एंगल के लिए डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस ये पूछा भी जा सकता है आपसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, obviously ये क्या identity है, क्योंकि if you take any value of a and b, then LHS and RHS will be always क्या होगा
इक्वल, आई मीन रियल वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वैल्यू. इफ यू टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन LHS एंड RHS विल बी ऑलवेज इक्वल. तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे. लेकिन वही आप देखो कि नहीं, यदि मैं लिख दूं कि x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहां आप देखोगे कि x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 2. आई मीन यहां LHS और RHS तभी वैलिड हो सकते हैं जब x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा. इसका मतलब क्या है, x के किसी वैल्यू के लिए रिलेशन ट्रू नहीं है. इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं. तो हम क्या देखेंगे कि 6 आई मीन कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है जिसको आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं, है ना, उसका भी फिजिक्स में यूज होता है. तो पहला जो आइडेंटिटी है, सम, मैं लिख रहा हूं सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है. अब पहला आइडेंटिटी क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसके बाद आप जानते हैं कि सिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1. तीसरा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा. ये बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है. ये जो तीन आइडेंटिटी दिया हुआ है बहुत ही यूजफुल है. इसका यूज बहुत ही ज़्यादा फिजिक्स में भी होता है और मैथ्स में तो होता ही है, क्योंकि मैथ्स का पार्ट है. हम जो पढ़ रहे हैं अभी बेसिक्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम मैथ्स का कुछ ही पार्ट पढ़ेंगे, पूरे मैथ्स नहीं पढ़ेंगे. तो ये भी क्या है, इसका जो यूज है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो जब भी कोई भी चीज़ आप साइंस में पढ़ते हो तो कोशिश करो कि जितने भी रिजल्ट आते हैं उसको रटना जरूरी है, याद करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसको समझ करके याद करना चाहिए. जब आप समझ करके याद करोगे तो ये जो रिजल्ट है उसको आप लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो. यदि हम ऐसे ही रट जाएं कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कुछ टाइम के बाद आप भूल सकते हो इसको. लेकिन भाई आप इसका प्रूफ जानते हो कि नहीं आता कैसे है रिजल्ट, तो इवन आप इसको भूल जाओगे लेकिन खुद से भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, इसको लिख सकते हो खुद से कि नहीं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 कैसे आएगा. इसको देखो ये क्या आइडेंटिटी है कि यहाँ क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेशन है कि कुछ हम एंगल नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो बाद में मैथ्स में पढ़ना. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ थीटा, एनी थीटा एंड एनी ट्रायंगल. किसी भी ट्रायंगल के लिए क्या है, ये रिजल्ट वैलिड है. लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके. राइट एंगल जिसे देखो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं, है ना. यही क्या है, थीटा, दिस इज नथिंग बट बी, दिस इज पी एंड दिस इज एच. अब देखो क्या है, पहले तो एक आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ आप साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच द होल स्क्वायर. सिमिलरली हम यहाँ लिखें कॉस थीटा तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच द होल स्क्वायर. अब आप क्या करो, ये दोनों को ऐड करो, यहाँ लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर होगा. तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. उसी तरह सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि सिक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा. अब देखो क्या है, सेक थीटा आप लिखोगे तो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ मिल गया,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं, देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद हम लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं पी अपॉन बी। तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो तो टैन स्क्वायर थीटा आई मीन क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, हम आगे का पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी क्या है कि टेन आई मीन क्या है, देखो तो क्या लिखे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं एच अपॉन पी, और कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी अपॉन पी, सही है। अब स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिला आपने को, वन मालूम चल गया, है ना, क्या मालूम चला आपने को, वन मालूम चल गया। अब आपसे कोई पूछे, इससे कुछ हम क्या करें, कुछ सम देख लेते हैं कि इस आइडेंटिटी का यूज कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे दिया हुआ है, अब एक और यहाँ रिजल्ट आता है, देखो कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका भी देखो, यहाँ मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन क्या हो गया sec थीटा प्लस क्या हो गया थीटा। तो इसका भी कभी कभी क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो मैंने ये बताया था क्या कि tan स्क्वायर थीटा क्या बताया था, सॉरी cosec, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या इसको लिख सकते हैं अगेन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोसेक थीटा माइनस क्या होगा कोट थीटा। तो ये कभी कभी अपने कन्वीनियंस के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के अनुसार भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई थिंक टू इंटू कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका टू इंटू
sec थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, आई मीन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा, tan थीटा sec थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब देखो क्या है, दोनों तरफ से आप प्रूफ कर सकते हो, आइदर इधर से ही प्रूफ कर सकते हो और इधर से। तो LHS, देखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशन दिया हुआ है तो उसको हम तीन तरह से प्रूफ करते हैं। एक तो LHS से RHS दिखा दो, RHS इक्वल टू LHS दिखा दो, और दोनों को क्या करो, आगे बढ़ो और देखो कि दोनों कहाँ इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे भी हम प्रूफ करते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड जो होता है, आइदर यू टेक LHS एंड प्रूफ LHS इक्वल टू RHS और टेक RHS एंड प्रूफ RHS इक्वल टू LHS। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो क्या दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अब रेशनलाइज कर दो इसको, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस। यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना हो जाएगा, 1 है ना, प्लस आई थिंक शायद मैंने गलत लिख दिया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने गलत लिख दिया है तो आप ऐसे लिख लेना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये क्या हो जाएगा, देखो सीक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा इंटू क्या होगा, सेक थीटा। ये प्रूव करना है आपने। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरे तरह से भी हम इसको और लिख सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है, साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करके भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, देखो तो LHS इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, सीक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा सीक थीटा। तो देखो प्रूफ हो गया इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, हम आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं जो आप एक 10th क्लास में ही पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम और भी कुछ रिलेशन देखेंगे ट्रिगो से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।